हेलो दोस्तों, एमडी प्रेजेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए एमडी प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी प्रेजेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं मोहम्मद दिलसाद आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के 5 टिप्स, वो भी बहुत यूजफुल आपके लिए, बहुत अच्छे टिप्स, आपके बहुत काम आने वाले टिप्स। दोस्तों, अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एमडी प्रेजेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें, मैं उसका रिप्लाई जल्द दूंगा। तो चलिए आपको बताते हैं। बताने से पहले एवरी डे रोजाना मैं आपसे करता हूँ एक रिक्वेस्ट, आज भी करूँगा। जो भी दोस्त, जो भी फ्रेंड एमडी प्रेजेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू। जो दोस्त अभी तक एमडी प्रेजेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एमडी प्रेजेंट्स चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एमडी प्रेजेंट्स चैनल पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड सारी वीडियो आपको मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे जो भी वीडियो एमडी प्रेजेंट्स यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। आशा करता हूँ दोस्तों आपने एमडी प्रेजेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना आपको बताते हैं व्हाट्सएप के 5 टिप्स एंड ट्रिक्स, वो भी बहुत यूजफुल, आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें, स्किप मत करें, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप चलते हैं, व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए व्हाट्सएप ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ कोई भी कॉन्टैक्ट मैं ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको। तो ये कॉन्टैक्ट मैंने ले लिया यहाँ, इस पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि जैसे मैं ये एसएमएस सामने वाले को सेंड किया तो ये एसएमएस पे ब्लू टिक का निशान आ गया, दो ब्लू टिक निशान। तो अगर आपको कोई एसएमएस आता है, सामने वाले करता है कोई भी मैसेज, उसका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो सामने वाले को दिख जाता है कि आपने पढ़ लिया और रिप्लाई नहीं किया। तो ये ब्लू टिक कैसे हटा सकते हैं दोस्तों, ये ब्लू टिक, तो ब्लू टिक के हटाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है, ये ऊपर देख सकते हैं व्हाट्सएप में ऊपर साइड में, यहाँ दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ ऊपर साइड में 3 डॉट है, 3 डॉट। तो 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे नीचे सेटिंग है, तो सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ है अकाउंट, अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में जाने के बाद प्राइवेसी में जाएंगे, प्राइवेसी में जाने के बाद सबसे नीचे आपको है तो रीड रिसिप्ट है, इस पर यहाँ मार्क लगा रहेगा, ये ऑन रहता है तो ये रीड रिसिप्ट को ऑफ कर देंगे। तो ये अनमार्क कर देंगे, तो अनमार्क कर देंगे तो आपका कोई भी एसएमएस आपके पास आएगा तो आप उसको पढ़ेंगे तो सामने वाले को नहीं दिखेगा ये मार्का, ये ब्लू मार्का सामने वाले को नहीं दिखेगा कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अब दोस्तों आपको दूसरा टिप्स बता दो, दूसरा टिप्स ये है दोस्तों कि कोई भी एसएमएस, किसी भी एसएमएस को आप स्पेशल या स्टार्ट मार्क्स में कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मेरा एसएमएस है, इसको रेगुलर मैं देखता रहता हूँ या मुझे रेगुलर जरूरत पड़ता रहता है, तो इसको अब मैं स्टार्ट मार्क्स में कैसे रख सकता हूँ, तो इस पर टैप करके थोड़ा देर रखेंगे। टैप करने के बाद यहाँ आपको दिखेगा ये स्टार मार्क, तो ये इस पर टैप करके थोड़ा देर रखेंगे तो यहाँ दिखेगा स्टार, तो स्टार पर क्लिक कर देंगे तो ये मेरा एसएमएस स्टार्ट मार्क में सेव हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ स्टार्ट मैसेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ स्टार्ट मैसेज पे ये मेरा एसएमएस सेव हो गया दोस्तों। उसके बाद तीसरा टिप्स के बारे में आपको बता दूँ, तीसरा टिप दोस्तों ये है कि आप किसी भी एसएमएस को किसी को सेंड किया, जैसे ये एसएमएस है, ये एसएमएस मैंने किसी को दोस्तों, ये एसएमएस है, ये एसएमएस मैंने सेंड किया दोस्तों, तो इसको कैसे मैं जान सकता हूँ कि वो सामने वाला पढ़ा या नहीं पढ़ा, देखा या नहीं देखा, या कितने बजे पढ़ा, ये टाइम डेट कैसे जान सकते हैं, तो इस पर टाइप करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सामने वाले का ये मैंने 4 सितंबर 4:15 में सेंड किया था, उसके यस्टरडे, उसके बाद उसके बाद 10:29 में ये रीड किया, पढ़ा, डिलीवरी डिलीवर डेट हो गया नीचे, ऊपर हो गया रीड डेट, पढ़ा कब और डिलीवर कब हुआ। तो ऐसे आप कोई भी एसएमएस का, जैसे इसका जानकारी लेना है तो इसके इस पर टाइप करके रखेंगे दोस्तों, जैसे इस एसएमएस का जानकारी लेना है कब पहुंचा कब पढ़ा, तो इस पर टाइप करके रखेंगे। टाइप करने के बाद आई डॉट लिखा है तो आई डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, रीड और डिलीवर डेट, कब डिलीवर हुआ एसएमएस और कब पढ़ा गया। और उसके बाद आपको चौथी टिप बता दो, चौथी टिप ये है दोस्तों कि कोई भी एसएमएस या कोई भी फोटोज या बड़ी साइज की वीडियो, 100 MB, 200 MB, 500 MB की वीडियो अगर व्हाट्सएप पे भेजना चाहे, या एक बार में 10 ही फोटो भेजा जा सकता है व्हाट्सएप से, अगर ज़्यादा भेजना चाहे तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर चलते हैं, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको बता दूँ एक व्हाट्सएप टूल नाम का ऐप है, ये ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने फ़ोन में, ये ऐप है देख लीजिए आप, इसका इंटरफेस व्हाट्सएप टूल्स शेयर फाइल व्यू आई एम,
ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से जितना चाहे जितना MB का 1GB 2GB मूवी कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी सेंड कर सकते हैं, जितना फ़ोटो चाहें जो चाहें वो सेंड इससे कर सकते हैं, इसमें कुछ रोक नहीं है दोस्तों। चौथा आपको समझ में आ गया होगा, चौथा टिप्स। और उसके बाद पाँचवा टिप्स ये है कि एक व्हाट्सएप का एक फेक ऐप है दोस्तों। अगर किसी को प्रैंक करने के लिए या किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए या किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक व्हाट्सएप फेक ऐप है, ये भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो चलिए मैं प्ले स्टोर से बता दूं कैसे इंस्टॉल करना है। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ आपको लिखेंगे फेक व्हाट्सएप, ऊपर सर्च करेंगे फेक व्हाट्सएप, ये 1 मिलियन डाउनलोड रेट है, 4.7 का रेटिंग है, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, अच्छा वर्क करती है। तो व्हाट्सएप फेक ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड प्ले स्टोर से कर सकते हैं, इसका इंटरफेस देख लें। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, तो यहाँ आपको फर्स्ट चीज़ पे क्लिक करना है क्रिएट पे, उसके बाद नाम डालना है, जो भी नाम डालना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं दोस्तों, किसी को भी बेवकूफ़ बनाने के लिए। उसके बाद स्टेटस डालना जो भी डालना है, उसके बाद यहाँ एक्टिव दोस्तों, यहाँ स्टेटस डालने के बाद यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन कर लें, जो भी है जैसा भी सेव करना है, जो भी सेव करना है अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे, सेव प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको अगर इसमें SMS करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे दोस्तों, टाइप करने के बाद यहाँ जो सेंड करना है आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं दोस्तों, ये ऊपर ऑनलाइन आ गया। उसके बाद यहाँ से जो भी SMS करना है वहाँ से टाइप करके दोस्तों यहाँ सेंड कर सकते हैं, जैसे मैं सेंड किया दोस्तों, सॉरी दोस्तों, आपको इसमें बहुत सारा इमोजी भी मिल जाएगा दोस्तों। जैसे इस पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ टाइप पे करेंगे, उसके बाद लिखा हेलो, यहाँ से आपने हेलो लिख दिया। उसके बाद आप सामने से रिप्लाई आने के लिए यहाँ आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद रिसीव पे क्लिक करना है, रिसीव पे क्लिक करने के बाद फिर करेंगे यस। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैसेज पढ़ा गया, उसका रिप्लाई आया। तो दोस्तों ये पाँचवा ऐप है, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों MD प्रजेंट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ दोस्तों MD प्रजेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखें।